असल वालेकुम भाई भाई माई नहीं मिसा था हूँ आप सभी लोग एक न्यू ब्लॉग में खुश आमदीद। भाई आज इफ्तारी में कुछ पैसे बनने वाला है। अभी आपका भाई गया था बाहर कुछ काम से, अभी फ्रूट लेना बाकी है। अस्सलामुअलैकुम भाई, फ्रीज चेक करें, यहाँ पे रोजा दिखाई दे रहा है, इसके अंदर फूल की जो पत्तियां है बहुत सारी, ऐसे जो काफी सारे फ्रूट के जूसेस के अंदर हमें फ्रूट्स के जो पीसेस देखने के लिए मिलते हैं, इनमें सबसे जो बेस्ट मुझे लगता है वो लीची का लगता है। और तो इफ्तारी में स्पेशल बनने वाला, उसके लिए सामान भी लेना है। A few moments later. आज की इफ्तारी का जो स्पेशल था वो था हमारा मुर्तबा। मुर्तबा बेसिकली हम कहते हैं मुंबई में, अगर आप मुंबई में जाओगे स्पेशली रमजान में आपको ये मिल जाएगा आसानी से। ये जो मुर्तबा है बेसिकली एक अरबिक फूड है, चलो वहाँ पे सबसे ज्यादा यही बिकता है। सऊदी में जो सबसे ज्यादा केक खाया जाता है, इसको कहते हैं अरबिक पराठा, जिसका हम कहते हैं मुर्तबा। एंड माशाल्लाह ये बहुत ज्यादा टेस्टी था, जब मम्मी का हाथ लगता है खाने पे तो वो भी ज्यादा टेस्टी हो जाता है। जो बचपन का फ्लेवर अब तक मेरे मम्मी के हाथों में, तो भाई लिटरली दिमाग फ्रेश हो गया खा के। एंड आपको भी पसंद आएगी इमीडिएटली। सुबह जो फूड लाने के बाद दोपहर के बाद लिटरली ऐसे इतनी खतरनाक गर्मी होती है बाहर। एंड अभी रिसेंटली मैंने चेक किया था अहमदाबाद में 45 डिग्री सेल्सियस था भाई, 45 डिग्री सेल्सियस है, फील्स कितना होगा मुझे पता नहीं। और यहाँ पे जब भावनगर है वहाँ पे भी काफी ज्यादा एकदम तेज गर्मी है। रिस्पेक्ट दोस्त जो रोजा रखे अपना काम वगैरह करते हैं इतनी ज्यादा गर्मी में। एंड देन इफ्तारी में कुछ ऐसा होता है कि कैसे होता है आप देख लो पहले। जैसे अभी इफ्तारी खत्म हुई इसके तुरंत बाद जो लाइट आई, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा बहुत जो मूड खराब हो गया था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बकरीद की नमाज वगैरह हुई। एंड अभी भी आपके भाई का जो है वो मुर्तबा चालू है। एंड भाई ये जो ट्राईपॉड है मेरा काफ़ी ज़्यादा सही, अगर मेरे पास सही वाला ट्राईपॉड होता जिस दिन मेरा मोबाइल पानी में डूबा था, अगर हमने ब्लॉग देखा होगा तब हम रिक्शा वॉशिंग करने गए थे, मेरा मोबाइल ट्राईपॉड के साथ माइक के साथ जो पानी में गिर गया था, जिसकी वजह से जो मोबाइल का फ्रंट कैमरा था वो जो पूरा ब्लर हो गया था लिटरली 2 से 3 दिन तक, जिसकी वजह से मैंने एकदम ये बड़ा स्टेप लिया। मैंने इतना महंगा जो है ट्राईपॉड ले लिया वो मैंने, इन शाला में 2-3 साल चलेगा। बाकी फिलहाल अभी अपने मुर्ते वक्त खा लेता हूँ। एंड जी फिर मैं आपको मिलता हूँ सुबह की सहरी करते वक्त, जो कि होगा अपना सोलवा रोजा। मिलता हूँ छोड़े ट्रांजिशन के बाद। तो ये मेरा मिरफेक वाला माइक्रोफोन का केबल है जो कि मोबाइल में कनेक्ट होता है, तो इसमें पिछले 2 दिन से दिक्कत आ रही है। मैं जीन वाली मस्जिद का जो वीडियो देखा था उसमें जो मैं माइक्रोफोन निकाल के व्लॉग किया था, अगर मैंने नोटिस किया होगा तो, कि पहले मैं पूरा एक प्रॉपर व्लॉग शूट किया था जिसमें ऑडियो नहीं आई थी। फिर मेरा पुराने माइक्रोफोन का केबल है, अभी मैं उसको लगाने वाला हूँ। तो भाई जैसे ही हमें देखा एक चीज़ सही होती है तो दूसरी चीज़ ख़राब होती है। मैं मेरी चीज़ों को लिटरली काफ़ी संभाल के रखता हूँ, इसके बावजूद भी अगर ये सब होता है तो लिटरली पर दिमाग खराब हो जाता है। तो एनी वेज अगर अपने ब्लॉग के यहाँ तक देख लेते हैं तो मैं वॉटर आर्ट, अगर मेरे चैनल भी नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड सारे नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना, ताकि मेरी कोई भी अपकमिंग वीडियो से ब्लॉग को मिस ना कर सको। ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा छोटा बन गया भाई दोस्तों। एंड बाकी होपफुली जो मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी, क्योंकि मेरे वीडियोज़ में जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है मेरे ऑडियो को, क्योंकि अगर ऑडियो सही नहीं आया तो पूरे वीडियो की वाट लग जाती है। मेरा न्यू माइक्रोफोन का कभी भी रेंज होगा भाई दोस्तों। बाकी फॉर मोर बिहाइंड द सीन्स एंड मोर कनेक्टिविटी मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर स्नैपचैट सब पेड एंड फॉलो कर लेना, सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलता है आपको बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट।